हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कैसे आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट का एडमिन पैनल बना सकते हैं। सो उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है जहाँ पे अब हम लोग फ्रंट एंड पे फोकस करेंगे। सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक थीम जो है वो डाउनलोड कर ली हुई है। मैं आपको पहले थीम दिखा देता हूँ, कौन सी थीम मैंने डाउनलोड की है, तो उसके बाद मैं आपको पेजेस दिखा देता हूँ जो हमारे पास पेजेस हैं, और उसके बाद हम ये काम करेंगे कि जो हमने भी एडमिन पैनल के थ्रू डेटाबेस में डेटा डाला है उसको अब हम देखेंगे कि हमें हमारे फ्रंट एंड पे अगर उसे दिखाना है तो हम उसे कैसे शो करा सकते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें आप काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला कि ये जो थीम है एडमिन पैनल की वो मैंने कहाँ से डाउनलोड की, तो उसका लिंक जो था मैंने जो लास्ट वीडियो था ई कॉमर्स वाला वहाँ पे लिंक दे दिया है एडमिन पैनल की थीम को डाउनलोड करने के लिए। और उसी के साथ साथ जो हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो में भी मैंने जो आपका जो हमारा ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैंने अगर ये थीम डाउनलोड करने का भी आपको लिंक दे दिया है, तो वहाँ से अगर आप चाहें तो फ्रंट एंड से हमारी ये थीम को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये थीम है हमारी जो हम यहाँ पे ले रहे हैं। ये मेरा होम पेज हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ ये बैनर दिख रहे हैं। बैनर के बाद यहाँ पे मेरे पास न्यू अराइवल है, मतलब जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है हमारे साइट के वो आ जाएंगे। इसके बाद बेस्ट सेलर है, मतलब जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड चीज़ है वो ये आ जाएगा, ये हमारा एक कैटेगरी का पेज बन जाएगा जहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट दिखा देंगे वो पर्टिकुलर कैटेगरी के, और साथ ही उस कैटेगरी के अगर बेस्ट सेलर प्रोडक्ट हमें दिखाने हम वो दिखा देंगे। इसके बाद जब आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आप प्रोडक्ट के डिटेल पे चले जाएंगे। यहाँ पे एक इमेज आ रही है, प्रोडक्ट का टाइटल आ रहा है, उसका प्राइस आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी वो अवेलेबल है कि नहीं है, कैटेगरी क्या है, और ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आ रहा है। इसके साथ ही साथ न्यू अराइवल आ रहे हैं कि जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट ऐड हुए हैं वो कौन से। यहाँ पे हमारे पास कुछ और पेजेस भी हैं, जैसे कार्ट का पेज है तो ये हमारा कार्ट का पेज हो जाएगा। इसके बाद एक और पेज है हमारे पास चेकआउट का पेज, ये हमारा चेकआउट का पेज हो जाएगा। और चेकआउट के पेज के बाद एक विशलिस्ट का पेज है, तो विशलिस्ट का यूज़ हमने किया नहीं है। ये पेज का हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली जो यूज़र ने ऑर्डर प्लेस किया है वो हम डेटा दिखाने के लिए इसका कर सकते हैं। और साथ ही एक छोटा सा मैंने और पेज बनाया है जो कि ये थीम में नहीं था, लॉग इन और रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो मैंने एक ये पेज बनाया है। यहाँ पे जो थीम है वो हमारा यहाँ से मैंने ये थीम डाउनलोड किया है, तो अगर आप यहाँ पे जाएं तो ये थीम कुछ देखने में ऐसी लगती है क्योंकि यहाँ पे इमेजेस हैं थीम में। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से थीम लगती है। ये प्रोडक्ट हो जाएंगे जिनको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाता हूँ। जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वहाँ पे क्या है कि हमारे पास अगर आप देखेंगे तो इमेजेस नहीं है, और यहाँ पे जो थीम है वहाँ पे इमेजेस है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इमेजेस है इनको क्या करेंगे, एडमिन पैनल से हम लोग अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हम इसको। ये लिंक मैं यहाँ पे इसको मैं बंद कर लेता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ये जो हमने HTML बनाया हुआ है इसको हम देखते हैं कि हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरा मेन फोल्डर हो जाएगा यहाँ पे। अभी ये मेरा एडमिन का फोल्डर है, एक मैंने यहाँ पे मीडिया का फोल्डर बनाया जिसके अंदर आपको ध्यान हो तो हम लोग इमेजेस अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे ये एक PPT थी जिसमें शुरू में वो PPT जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था वो थी, और ये हमारा डेटाबेस है। तो ये डेटाबेस को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पेजेस को सेग्रीगेट कर लेते हैं। तो हम लोग एक टॉप बना लेते हैं, फुटर बना लेते हैं, और एक इंडेक्स का पेज बना लेते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे एक पेज बना लेते हैं, मैं इसी की कॉपी कर देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा टॉप, और ये हो जाएगा हमारा फुटर। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किए हुए थे, ये कुछ मेरी एक्स्ट्रा फाइल हैं जिन्हें मैं यहाँ बंद कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरा टॉप है, इसे मैं हटा देता हूँ, फुटर को भी हटा देता हूँ, इंडेक्स को भी ब्लैंक कर लेता हूँ, ये पेजेस भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। ये ऑलरेडी मेरे जो टेम्पलेट मैंने आपको दिखाया था उसके पेजेस हैं, इसे भी हम बंद कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ये इंडेक्स का पेज है। तो ये इंडेक्स के पेज में हम लोग एक काम करते हैं, इस पेज को ब्रेक कर लेते हैं हेडर और फुटर में। तो अगर मैं ये इंडेक्स के पेज में जाऊँ
तो ये मेरा टॉप का हेडर हो जाएगा और ये नीचे वाला मेरा जो है ये फुटर हो जाएगा। तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा हेडर कहाँ तक है इसमें। ये मेरा सब नेविगेशन है, यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरा ये हेडर कंप्लीट होता है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको चल के कॉपी करके टॉप पे डाल देते हैं। अभी इसके बाद, इसके अलावा जो मेरा सारा एरिया बचेगा वो मेरा होम पेज का हो जाएगा और फुटर का हो जाएगा। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ तक जो है मेरा ये एरिया मेरा होम पेज का आ जाएगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इंडेक्स पे डाल देता हूँ। इसके अलावा जो डेटा बचा वो उसको हम उठा के फुटर में डाल देते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से पेज बन जाएगा। अभी हम यहाँ चलते हैं और यहाँ पे हम इंक्लूड करा लेते हैं, रिक्वायर का यूज़ कर लेते हैं और यहाँ मैं डाल देता हूँ टॉप डॉट पी एच पी। और इसी के साथ मैं इसका कॉपी करके एक और डाल देता हूँ यहाँ पे एंड में, यहाँ पे फुटर डॉट पी एच पी। एक बार देख लेते हैं कि हमारा सब बराबर चल रहा है। तो मैं इधर जाता हूँ और एक ही हटा देता हूँ। तो आइडियली बराबर चलना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ इशू हो रहा है। इशू देखिए क्या हो रहा है कि जो हमारा ये HTML का फोल्डर था, यहाँ पे हमारे ये जो तीन चार फोल्डर थे ये मैंने यहाँ पे नहीं डाले थे। मैं इनको भी डाल देता हूँ क्योंकि मेरी यहाँ पे CSS JavaScript को मैंने इंक्लूड नहीं किया था और अभी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। तो ये देखिए हमारा जो पेज था वो ब्रेक हो गया है अभी हेडर फुटर के उसमें। अभी सबसे जो नेक्स्ट काम है, हम क्या करते हैं, ये जो लोगो है इसको वैसे ही रहने देते हैं। जो हमारा टॉप नेविगेशन है हम क्या करते हैं, इसको सेट कर लेते हैं और जो रिक्वायर्ड चीज़ें नहीं है हमारी यहाँ पे उसे हम हटा देते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं हमारे टॉप पे और टॉप पे काम करते हैं कि हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पे होम आ जाएगा और यहाँ पे आपकी जो कैटेगरीज हैं वो आ जाएंगी और एंड में कॉन्टैक्ट का पेज आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये सारा जो नेविगेशन है इसको हटा देते हैं यहाँ से और ये सारा नेविगेशन मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, और ये मोबाइल के लिए है मेरे, तो मैं मोबाइल पे भी ये हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, इसे इतना रख देता हूँ। हेडर पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं हमारी, देख लेते हैं क्या है। ये कुछ मेरा हेडर राइट में आ रहा है, ये आई गेस ये जो मेरे सर्च के नेविगेशन की ये सारी चीज़ें ये आ रही हैं। तो जो हमें चीज़ें इसमें से नहीं चाहिए वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मुझे सर्च के आइकन की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रहने देता हूँ। और ये कार्ट वाला जो है इसको भी मैं यहाँ पर रहने देता हूँ और मेरा ये जो हेडर है इसका काम यहाँ पे हो जाता है। इसी के साथ में ये जो पेज है थोड़ा सा इसका जो कोड है वो अलाइन नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कोड का जो इसका जो कोड है उसे थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं और जो कमेंट आउट चीज़ें हैं उसे हटा देते हैं। इसको हम हटा देते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी आइकन शॉर्टकट की। और इसको मैं कर देता हूँ आई में ये लगाए, हम इसे लगे रहने देते हैं। और दैट्स इट, ये भी हम हटा देते हैं। कमेंट्स बेसिकली जितने हैं मैं वो यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ओके, अभी चलते हैं, हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एक होम आ गया और एक कॉन्टेक्ट आ गया। अभी क्या करते हैं कि होम के क्लिक पे इसको रिडायरेक्ट कर देते हैं इंडेक्स डॉट पी एच पी पे, इसको भी बोल देते हैं इंडेक्स डॉट पी एच पी और इसको भी बोल देते हैं इंडेक्स डॉट पी एच पी। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा इंडेक्स डॉट पी एच पी पे रिडायरेक्ट कर जाएगा। देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो आपका टॉप नेविगेशन बन रहा है, ये टॉप नेविगेशन पे हम लोग क्या करेंगे कि जितनी भी हमारी एडमिन पैनल में कैटेगरीज हैं वो सारी की सारी कैटेगरीज हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। तो एक बार हम चलते हैं हमारे डेटाबेस में और देखते हैं कि क्या क्या कैटेगरी में हमने बनाया था। ये हमने कैटेगरी की टेबल बनाई थी, यहाँ पे हमने ये सारी कैटेगरीज एडमिन पैनल के थ्रू डाली हुई थी। तो ये कैटेगरी हम क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप नेविगेशन पे यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं। तो चलते हैं हम इसके लिए टॉप पे और इसके लिए हमें कनेक्टिविटी की ज़रूरत होगी। कनेक्टिविटी के लिए हमें काम करते हैं, ये जो एडमिन पैनल था यहाँ पे हमने कुछ फाइल्स बनाई थी। सबसे पहले एक जो कनेक्शन वाली फाइल थी और एक फंक्शन वाली फाइल थी, इसमें मैंने ये कुछ फंक्शन रखे थे। तो हम एक काम करते हैं, ये कनेक्टिविटी की फाइल मैं फिर से पीछे उठा के डाल देता हूँ, यहाँ पे भी डाल देते हैं। सेम कनेक्टिविटी की फाइल है जो हमारी पीछे लग रही थी।
इसमें अगर कुछ हमें नहीं चाहिए वो हम हटा लेते हैं, ठीक है। ये सेम टू सेम फाइल मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और इसे बंद कर देते हैं। जो मेरा टॉप है, टॉप पे मैं इसको इंक्लूड करा लेता हूँ, जिससे ये अपने आप ऑटोमेटिकली हर पेज पे इसको एक्सेस मिल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे इंक्लूड करा लेते हैं। एक्चुअली मैं रिक्वायर कराना चाहिए क्योंकि डेटाबेस का कनेक्शन है, अगर डेटाबेस का कनेक्शन नहीं किया तो हमारी वेबसाइट चलनी ही नहीं चाहिए। और मैं यहाँ पे इसे इंक्लूड कराने के लिए एक बार कॉपी कर लेता हूँ इसे .php। नेक्स्ट काम क्या है, जो हमारी टॉप नेविगेशन पे कैटेगरीज है हमें वो सिलेक्ट करनी है। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं कैट रिसोर्स इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ पे हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई। देन हमारी जो क्वेरी आ गई वो क्या आ गई, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कैटेगरीज। मैं एक बार टेबल का नाम देख लेता हूँ क्या था, ओके कैटेगरीज। अभी अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने एडमिन पैनल में और ये डेटाबेस में कॉलम लिया था यहाँ पे स्टेटस का। तो बेसिकली स्टेटस का काम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वो ये था कि जिसका स्टेटस मेरा 1 होगा वही मेरी कैटेगरी डिस्प्ले होगी, अदरवाइज नहीं डिस्प्ले होगी। और यहाँ मैं डाल देता हूँ वेयर स्टेटस इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए यहाँ से मुझे क्या होगा, सारी की सारी मेरी कैटेगरीज का मेरा एसक्यूएल क्वेरी जो थी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हम चलते हैं टॉप नेविगेशन पे और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, या एक काम करते हैं हम एक एरे बना लेते हैं और एरे के अंदर जो सारा डेटा है वो डाल देते हैं। और यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ रो इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसोसिएटिव, और इसमें मैं जो हमारा ये क्वेरी का था रिसोर्स भी हम जिसे बोलते हैं मैं ये डाल देता हूँ। और ये जब क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो इसका डेटा जो होगा हम एक एरे में ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक मैं एरे बना लेता हूँ कैट अंडरस्कोर ARR इज इक्वल टू एरे। ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ, इज इक्वल टू $ROW। तो देखिए क्या है, अगर ये वाइल लूप को मैं एग्जीक्यूट करता और मैं वाइल लूप को यहाँ पे इसका यूज करता हूँ, देखिए क्या होगा, एक बार मुझे वाइल लूप को यहाँ यूज करना पड़ता और एक बार वाइल लूप को मुझे यहाँ यूज करना पड़ता। तो आइडियली आपको यहाँ पे क्या होता, आपको अननेसेसरी का जो डेटाबेस से डेटा आ रहा है वो रिसोर्स को आपको बार बार यहाँ पे जो था लूप में घुमाना पड़ता। तो उससे अच्छा मैंने क्या किया, ये जो डेटा था मेरा एक एरे में डाल दिया कि जिससे हमारा थोड़ा सा जो लोड है वो कम पड़े। और यहाँ पे हमने डाल दिया फॉर ईच एज लिस्ट। अब यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा क्या आ जाएगा, इको लिस्ट, लिस्ट के अंदर मेरी ये कैटेगरी आ जाएगी। एक बार देख लें हम क्या है, कैटेगरीज है, ये कैटेगरीज आ गई यहाँ पे। और इसी के साथ साथ जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे और हम कर देंगे कैटेगरीज .php पे ?id इज इक्वल टू दिस। तो देखिए क्या होगा, अभी मैं चलता हूँ इधर और पेज रीलोड करता हूँ। देखिए क्या हुआ, टॉप नेविगेशन पे आप देखिए तो आपका कैटेगरी 1 आ गया, कैटेगरी 6 आ गया और कैटेगरी 9 आ गया। जो आपने डेटाबेस में डाला वो सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ रही हैं। और इसको हम आईडी कर देते हैं। अब ये देखिए जो मेरा कर्सर जहाँ पे घूम रहा है नीचे की तरफ, ये जो मेरा विंडो का स्टार्ट का आइकन है यहाँ पे, देखिए जैसे ही मैंने इस पर माउस ओवर किया तो हमारा देखिए ये कैटेगरी डॉट पी एच पी पे भेजेगा और आईडी 5 भेजेगा, इस पर क्लिक करेंगे 7 भेजेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, जब आपकी ये पर्टिकुलर कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे तो हम एक दूसरे पेज पे भेजेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, हम खाली यही कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाएंगे। अब दूसरी तरफ आप अगर देखें कि अगर हम एडमिन पैनल में जाएं, अब मैं एडमिन में चलता हूँ। अब देखिए आप कैटेगरी में गए, आपको मान लीजिए ये कैटेगरी 1 को नहीं दिखाना, आप क्या करेंगे इसे डीएक्टिव कर देंगे। अगर आप यहाँ पेज को रीलोड करेंगे तो देखिए कैटेगरी 1 हट गया। तो ये आपको फ़ायदा था जो हमने यहाँ पे एक्टिव डीएक्टिव डाला था। आप रन टाइम में कभी भी वो कैटेगरी को एक्टिव करना चाहते हैं, कभी भी कैटेगरी को डीएक्टिव करना चाहते हैं, तो आप उसको रन टाइम पे इसको चेंज कर सकते हैं। साथ ही हम एक काम और कर लेते हैं, इसमें एक ऑर्डर बाई लगा देते हैं, ऑर्डर बाई कैटेगरी असेंडिंग।
तो क्या हो जाएगा, मेरा जो ये थी अल्फाबेटिकली यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगी। तो जो टॉप नेविगेशन था वो मेरा यहाँ पे सेट हो गया। अभी दो चीज़ें और हैं, ये जो था मेरा यहाँ पे एक लॉगिन का बटन आना चाहिए, और यहाँ पे मेरा ये ऐड टू कार्ट जो था वो एक्चुअली में एम्प्टी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अच्छा एक चीज़ और, सेम टू सेम कोड, क्योंकि देखिए दो नेविगेशन इस थीम में चल रहे हैं, एक नेविगेशन नॉर्मल डेस्कटॉप के लिए और एक नेविगेशन जो है ये मोबाइल के लिए, तो मैं यहां पे भी डाल देता हूं जिससे ये मेरा कोड मोबाइल पे भी बराबर चले। और इसको मैं कॉन्टेक्ट डॉट पी एच पी कर देता हूं, इसे भी कॉन्टेक्ट डॉट पी एच पी कर देता हूं, इसको फिलहाल हम जीरो कर देते हैं, और इसकी जगह पे मैं हटा के यहां पे लॉगिन स्लैश रजिस्टर लिख देता हूँ, और इसके क्लिक पे हम रीडायरेक्ट कर देते हैं लॉगिन डॉट पी एच पी के पास। तो देखिए जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा जो हमने अभी यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारा देखिए, तो ये टॉप नेविगेशन हमारा एक तरीके से यहाँ पे सेट हो गया। अभी नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपकी, ये बैनर, तो बैनर को फिलहाल के लिए हम यहाँ पे स्टैटिक रखते हैं। अगर आप चाहें तो बैनर को भी सी एम एस ड्रिवन कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो ये एडमिन पैनल है यहाँ पे हम एक और सेक्शन बना देंगे बैनर का, वहाँ से हम बैनर की इमेजेस अपलोड करेंगे और हम यहाँ पे उसे डिस्प्ले कराते रहेंगे। अच्छा नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारी न्यू अराइवल। तो न्यू अराइवल में देखिए क्या होगा, जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं जो हमने अभी ऐड किए हैं रिसेंटली वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। और उसके साथ ही ये माउस ओवर पे मेरा ये कुछ राइट पे आ रहा है, मैं एक काम करता हूँ इसे हटा देता हूँ, इंडेक्स पे चलते हैं हम, और ये भी मेरा कुछ यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है जो मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ यहाँ से। एक बार देख लेते हैं हम, ओके नीचे चलते हैं अभी, ये भी एक कुछ पॉपअप है, ये भी पॉपअप हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके एक बार चेक कर लेते हैं कि सब बराबर है, परफेक्ट। ओके तो नेक्स्ट हमें चलना है न्यू अराइवल पे। ओके यहाँ से मेरा जो न्यू अराइवल का सेक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो रीसेंट मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक बार देख लेते हैं। देखिए हाँ माउस ओवर पे अगर आप यहाँ देखें तो ये क्या है, राइट साइड पे आपका ये कुछ आइकन्स आ रहे हैं, ये विशलिस्ट का है, ये बेसिकली एड टू कार्ट के लिए है, और ये इसको डिसलेक्ट के लिए, मैं वो सब हटा देता हूँ, मैं खाली इतना ही बॉक्स यहाँ पर लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं कि ये बॉक्स को रखते हैं और बाकी के जो सारे बॉक्सेस हैं इन्हें यहां से हटा देते हैं, ये सारे जो बॉक्सेस हैं मैं यहां से हटा दूंगा, ये भी हटा देते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, और ये भी हटा देते हैं। तो देखिए क्या है, आपका यहाँ पे खाली एक ही प्रोडक्ट बचेगा, बाकी सारे प्रोडक्ट आपके यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए न्यू अराइवल में हमें ये काम करना है कि जो भी रीसेंट हमारे प्रोडक्ट हैं वो हमें यहाँ पे शो कराने हैं। तो चलते हैं हम उसके लिए, और ये देखिए अब देखिए क्या है, अगर आप देखें तो ये जो बॉक्स है आपका ये बार बार आपका लूप में घूमेगा। तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस से क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, और वो क्वेरी में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे रीसेंट प्रोडक्ट हैं हमें वो निकाल के देते हैं। तो हम देखिए फ्रेंड इसको थोड़ा सा ट्रिकी ढंग से करते हैं, हम क्या करते हैं कि एडमिन पैनल के अंदर भी हमने एक फंक्शन डॉट पी एच पी बनाया था, हम यहाँ चलते हैं और यहाँ भी एक फंक्शन डॉट पी एच पी बना लेते हैं, और इन सबको रहने देते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको बेटर वे में करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे देखिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूं, और फंक्शन में मैं कर देता हूं गेट प्रोडक्ट। अभी हम क्या करते हैं, देखिए आपको हर जगह बार बार डेटाबेस से प्रोडक्ट लेके आने हैं, उसके लिए क्या होगा, आपको हर बार डेटाबेस से प्रोडक्ट निकालने के लिए सिलेक्ट की क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो क्या फ़ायदा कि जहाँ पे भी आपको सिलेक्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है हर बार आपको वो क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं गेट अंडरस्कोर।
प्रोडक्ट। तो अब जहां पे भी हमें प्रोडक्ट निकालने होगा तो हम क्या करेंगे, खाली ये फंक्शन को कॉल कर देंगे और ये फंक्शन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हमें सारे के सारे प्रोडक्ट निकाल के दे देगा। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहां पे एक SQL की क्वेरी लिख लेते हैं, सोर्स इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी कनेक्शन स्ट्रिंग, और क्वेरी आ जाएगी मेरी सिलेक्ट प्रोडक्ट निकालने हैं मुझे, प्रोडक्ट की जो टेबल है हमारी वो कौन सी एक बार देख लेते हैं, ये हमारी प्रोडक्ट की टेबल है तो मैं लगा लेता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। और यहां पे हम व्हाइल लूप का यूज कर लेते हैं, इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसोसिएटिव, और यहां पे मैं एक एरे बना लेता हूं डेटा इज इक्वल टू रो, और यहां मैं रिटर्न कर देता हूँ रो को, और यहाँ पे सॉरी डेटा को मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, और एक यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं हम डेटा नाम से। तो देखिए क्या है, जब भी आपको प्रोडक्ट को कॉल कराना है तो आप खाली इसको कॉल करा दे फंक्शन को। अब यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं SQL। अब देखिए होम पेज पे आपको क्या करना है, होम पेज पे आपको न्यू अराइवल लेके आना है। न्यू अराइवल का मतलब क्या है, जब आपके डेटाबेस में जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है वो पहले आने चाहिए, और खाली लेट्स से एग्जांपल जो चार प्रोडक्ट या आठ प्रोडक्ट हैं खाली वही आने चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से टाइप, और ये टाइप को मैं इज इक्वल टू ब्लैंक भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा लेते हैं, इफ टाइप इज इक्वल टू लेटेस्ट, अगर ये टाइप में लेटेस्ट मिलेगा तो ये जो हमारी SQL की क्वेरी है इसमें हम लोग कॉन्केटिनेट कर देंगे ऑर्डर बाई आईडी डिसेंडिंग, साथ ही साथ एक और वेरिएबल भी बना लेते हैं लिमिट। लिमिट तो लिमिट क्या करेगा, अगर आपने लिमिट लगा दी तो जो भी लिमिट की उसे वैल्यू मिलेगी वही वो क्वेरी में एग्जीक्यूट भी कर देगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं इसमें लगा दूं इफ लिमिट इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब अगर लिमिट में कुछ भी हुआ तो हम यहां पे लगा देंगे लिमिट डॉलर लिमिट। अब हम क्या करते हैं, हमारे इंडेक्स के पेज पे चलते हैं, और जो टॉप डॉट पी एच पी है यहाँ पे ये कनेक्शन के साथ साथ हम फंक्शन की फाइल को भी इंक्लूड करा लेते हैं फंक्शंस। अब फंक्शन हमारा ये है, अब हम चलते हैं इंडेक्स पे। अब ये यहाँ पे क्वेरी लिखने से अच्छा हम सिंपल सी एक चीज़ लिख देते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं इज इक्वल टू गेट प्रोडक्ट, और लेटेस्ट हमें प्रोडक्ट निकालने हैं, और लेट्स से एग्जाम्पल हमें चार प्रोडक्ट निकालने हैं। एक बार देखते हैं अभी क्या होता है, यहाँ पे हम PRX का यूज़ कर लेते हैं। PRX क्या है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि PRX मैंने फंक्शन के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी एक फंक्शन डॉट पी एच पी में एक फंक्शन बना रखा है यहाँ पे PRX। तो PRX क्या करेगा, जो मेरा एरे का डेटा है उसको मुझे प्रिंट अंडरस्कोर आर के साथ में दे देगा। तो अभी चलते हैं यहाँ पे और एक बार देखते हैं क्या मिला। ये तो कुछ एरर आ गई लाइन नंबर 21 पे, एक बार देखते हैं। ओके एक ये जो कनेक्टिविटी है हमें इसको भी पास करना पड़ेगा एक पैरामीटर में, क्योंकि ये अदरवाइज ऐसे लेगा नहीं इसे। तो मैं एक काम कर देता हूं, जहां जरूरत पड़ रही है मैं वहां पे कनेक्टिविटी को भी डाल देता हूं। परफेक्ट। तो देखिए क्या होगा, यहां पे आपको सारा का सारा आपका प्रोडक्ट का डेटा आ गया। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे फिर से एक फॉरिच लूप लगा देते हैं, फॉरिच दिस एस डॉलर लिस्ट, और यहां पे जो होगा हमारा इस प्रोडक्ट को हम लोग खत्म कर देते हैं, इस लूप को बेसिकली हम लोग यहां पे एंड कर देते हैं। देखिए अभी क्या होता है, हमने इधर की जगह हम लोग चलते हैं रीलोड करते हैं, देखिए क्या हुआ, तीन प्रोडक्ट आ गए हमारे पास। अब इनके अगर नाम लेके आने हैं तो हम लोग एक काम करते हैं,
प्रोडक्ट का नाम में हम लोगों ने नेम ही लिखा था, तो यहाँ पे सबसे पहले हम नाम डाल देते हैं, इको नेम। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, तो ये बेसिकली ओल्ड प्राइस है और ये न्यू प्राइस है। मतलब हमारे केस में अगर आप चलें तो एक एमआरपी है और एक प्राइस है, तो ये हो गया एमआरपी और ये हो गया प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस भी अगर आप इसे बोल सकते हैं। रीलोड करते हैं, एक बार चेक करते हैं, देखिए क्या हुआ। आ गया हमारे पास ये टेस्ट 33 आ गया, टेस्ट आ गया और वन आ गया। ये बेसिकली वो प्रोडक्ट हैं जो हमने यहाँ पे बनाए थे। नेक्स्ट चीज़ हमें एक इमेज भी दिखानी है, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे इमेज भी दिखा देते हैं। इमेज के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इमेज लिख लेते हैं। और ये जो इमेज है अगर आपको ध्यान हो तो हमारे एक फोल्डर में पड़ी है, और वो फोल्डर हमारा यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। ये हमारा इस फोल्डर में हमारी सारी इमेजेस पड़ी हैं, तो हम चलते हैं यहाँ पे और इसको कॉन्केटिनेट कर देते हैं। अभी एक बार देखते हैं, ये इमेजेस कुछ अलग सी आ रही हैं जो हमने अपलोड की थी। तो अभी एक काम करते हैं कि हम लोग थोड़ी सी बेटर इमेजेस एक बार एडमिन से अपलोड कर देते हैं। बेटर इमेजेस के लिए क्या करते हैं, हम लोग ये थीम में ही चलते हैं और ये थीम से ही कुछ इमेजेस ले लेते हैं। जैसे कि ये इमेजेस है मेरी, तो मैं कॉपी ओपन ओपन एंड ओपन, ये तीन इमेजेस मैंने ले ली। मुझे ये इमेजेस को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, तो मैं यहीं पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, लेट से टेम्प नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ फिलहाल के लिए। सारी इमेजेस को वहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि अपलोड अगर मैं एडमिन पैनल से करूँगा उसके लिए मुझे पहले कहीं से तो डाउनलोड करना पड़ेगा उसे। और ये भी मेरी अपलोड हो गई, इन्हें मैं बंद कर देता हूँ और एक बार मेरे एडमिन पैनल पे आते हैं और यहाँ से हम लोग ये जो प्रोडक्ट हैं इसके नाम थोड़े से बेटर कर लेते हैं। लेट्स से प्रोडक्ट वन, और इसकी मैं एक इमेज ले लेता हूँ यहाँ पे, और मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। एक हम यहाँ से भी ले लेते हैं, एक दूसरी इमेज डाल देते हैं, इसका हम नाम कर देते हैं प्रोडक्ट टू। ये भी चलते हैं और इसका नाम कर देते हैं लेट्स से प्रोडक्ट थ्री, और इसकी भी एक इमेज अपलोड कर देते हैं, सेव। फ्रंट एंड पे चलते हैं, तो देखिए ये आपके सामने प्रोडक्ट आ गए और ये आपकी यहाँ पे इमेजेस भी आ गई इन सब की, और इनका आप ये नीचे देखिए तो प्राइस भी आ गया। अभी अगर आप एडमिन पैनल पे जाएं और एक प्रोडक्ट को डिसेबल कर दें, और अगर आप यहाँ पे रीलोड करें तो क्या होगा, वो डिसेबल नहीं होगा। क्यों डिसेबल नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने क्वेरी में उस चीज़ को चेक किया ही नहीं है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं वेयर स्टेटस इज इक्वल टू वन, स्टेटस जो है वो वन ही होना ज़रूरी है। अब देखिए जैसे ही आप एडमिन पैनल से किसी प्रोडक्ट को डिसेबल करेंगे तो वो फ्रंट एंड पे भी आपका देखना बंद हो जाएगा। तो यही मैंने आपको चीज़ बोली थी, ये आपको फ़ायदा है एक्टिव रिएक्टिव का, कि एडमिन जब चाहे वो अपने किसी भी प्रोडक्ट को एडमिन पैनल में डिसेबल कर सकता है, किसी भी टाइम पे प्रोडक्ट को इनेबल कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि देखिए जहाँ पे हमने एक लिमिट सेट की, देखिए इस लिमिट का फ़ायदा क्या था कि लेट से अगर ये लिमिट वन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा खाली एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये फ़ायदा था आपका यहाँ पे लिमिट का, कि जितनी आप लिमिट लगाएंगे उतने ही आपके यहाँ पे प्रोडक्ट आएंगे। नेक्स्ट चीज़ है आपके पास बेस्ट सेलर, तो बेस्ट सेलर का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जो आपका सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। तो सेल करने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए होगी यहाँ पे, हम तभी सेल का हम बता पाएंगे जब हम ऑर्डर पे जाएंगे, जब हम ऑर्डर को प्लेस कर लेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने ऑर्डर के सेक्शन पे तो गई नहीं है, तो फिलहाल के लिए हम इसको इग्नोर करते हैं। एक चीज और कि जब भी आप ये प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसे प्रोडक्ट और पीएचपी पे रिडायरेक्ट कर देंगे। आईडी इज इक्वल टू इस प्रोडक्ट का हम आईडी ले जाएंगे यहां से। ओके, अभी नेक्स्ट चीज आपकी क्या हो जाती है, देखिए यहां पर हमने क्लिक किया तो ये क्या करेगा,
प्रोडक्ट, ठीक है, परफेक्ट. ओके, सो नेक्स्ट चीज अभी क्या आ जाती है हमारी, कैटेगरीज के पेजेस बनाने. कैटेगरी के पेजेस बनाने मतलब जब भी हम लेट्स से ये कैट वन पे क्लिक करें तो क्या हो, ये एक अंदर पेज पे जाएगा और वहां पे क्या करेगा, खाली वही कैटेगरी के प्रोडक्ट्स दिखाएगा. तो इसके लिए हम लोग एक काम कर लेते हैं, एक पेज बना लेते हैं. इंडेक्स का जो मेरा पेज है मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ और एक दूसरा पेज बना लेते हैं हम categories.php के नाम से, categories.php के नाम से. अभी यहाँ पे हम फिलहाल के लिए ये सब कुछ जो हमने डाला था ये डिलीट कर देते हैं, बस खाली हेडर और फुटर ले लेते हैं. इसके बाद हम चलते हैं HTML पे और HTML पे हमारे पास प्रोडक्ट ग्रिड, ये बेसिकली हमारा कैटेगरी का पेज है. तो हम एक चलते हैं इस पेज पे और जो इसका अंदर का सेक्शन है वो खाली कॉपी कर देते हैं. ओके, तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेक्शन था ये लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं. पेज रीलोड करते हैं तो देखिए इस तरीके से कुछ आपका ये पेज यहाँ पे बनके तैयार है. देखिए जब आप ये क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये थीम में बना हुआ था कि आपने क्लिक किया तो ये देखिए ये आपका चेंज हो गया, आपने इधर किया तो आपका कुछ इस तरीके से चेंज होता रहेगा यहाँ पे. ओके, और ये कुछ आपके यहाँ पे सॉर्टिंग के लिए ऑप्शन आ जाएंगे. तो अब हम नेक्स्ट काम क्या करते हैं, हम थीम में चलते हैं फिर से और किसी भी एक कैटेगरी का बैनर ले लेते हैं यहाँ पे. अदरवाइज ये बैनर बहुत ख़राब लग रहा है जो हमारा अभी यहाँ पे लगा हुआ है, और मैं इसको ले लेता हूँ और अपलोड कर देते हैं. इससे हम लेते हैं और इमेजेस BG4 रीलोड कर देते हैं यहाँ पे. सॉरी, ओके, तो ये मेरा यहाँ पे जो था चेंज हो जाएगा. ओके, अभी यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फिर से सेम चीज़, यहाँ पे बेस्ट सेलर आ गया और यहाँ पे हमारे पास ये कैटेगरी के जो थे प्रोडक्ट्स आ गए. तो एक काम कर लेते हैं, ये बेस्ट सेलर वाला सेक्शन हम हटा देते हैं, इसकी कोई हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ऐसी. बेस्ट सेलर कहाँ है मेरे पास, ये रहा, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ. एक ये ब्रांड का सेक्शन है, इसको भी हम हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई ब्रांड नहीं है ऐसे. ये भी कुछ वही सेक्शन है, मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ. रीलोड कर लेते हैं तो ये पेज कुछ हमारा ये इस तरीके से बन जाएगा. अभी एक काम करते हैं, पेज पे चलते हैं इधर हेडर पे और ये देखते हैं कि ये ऐसा क्यों दिख रहा है. ओके, ये 9 था, 9 की जगह पे मैं इसे 12 कर देता हूँ. ओके 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 ओके, सॉरी, ओ एक बार देख लेते हैं ये स्पेसिंग कहाँ से ले रहा है. यहाँ चलते हैं और ये एक्चुअली में ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होना चाहिए लेकिन यहाँ पे कुछ एक स्पेस आ रहा है ऑलरेडी, तो एक बार देख लेते हैं. ओके, ये आई गेस यहाँ पे कहीं पे तो कुछ दिया हुआ है शायद ऐसा, जिसकी वजह से ये अलग अलग बॉक्स को अलग अलग तरीके से बिहेव करता है. कंटेनर, देन इसके अंदर दो, इसके अंदर ये आ गया. अभी ये पुश 3 को मैं हटा देता हूँ, विड्थ को मैं इसकी 100 कर देता हूँ. और भी कुछ लगा हुआ है आई गेस इसमें. एक काम करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ लगा है कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हटा देते हैं. इसे मैं 12 कर देता हूँ और इसको भी मैं 12 कर देता हूँ और ये पुश यहाँ पे रखने की अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है. तो देखिए ये हमारा फुल हो गया. अभी एक काम करते हैं, यहाँ से सब ये हटा देते हैं, क्लास हटा देता हूँ मैं और यहाँ से मैं इसको भी हटा देता हूँ. तो देखिए ये कुछ हमारा जो पेज था वो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा. इस पे काम कर लेते हैं, अंदर के जो ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ये प्रोडक्ट क्या होंगे, फिर से लूप में घूमेंगे. तो हम क्या करते हैं, इसको डेटा को हटा देते हैं, खाली एक ही रखते हैं, बाकी के अंदर के सारे के इनको हटा देते हैं. कट कट कट,
और यहाँ पे से भी मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ से भी हटा देता हूँ, यहाँ से भी हटा देता हूँ, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं। आई गेस ख़त्म हो गए होंगे प्रोडक्ट अब, और तो यहाँ पे नहीं और भी हैं कुछ। ओके तो यहाँ से चलते हैं और इसको मैं यहाँ तक ख़त्म कर देता हूँ। तो देखिए ये मेरा यहाँ से ओवर हो जाएगा। ओके तो इन्होंने क्या किया है, ये थीम के अंदर ये दो बार इसको, क्योंकि अलग अलग यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अलग अलग यूआई में देना था, एक उसने कुछ ऐसे देने के लिए और एक कुछ दूसरे तरीके से देने के लिए, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे दो तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट लिए हैं। तो हम एक काम करते हैं, हमें खाली एक ही रखना है तो हम ये एक को हटा देते हैं। आइडियली ये गलत है तरीका, एक ही बॉक्स होना चाहिए था यहाँ पे, आपको इसको ग्रिड व्यू में करना है या लिस्ट व्यू में करना है, उसके लिए मैं इसको हटा देता हूँ थीम से। और सर्च का भी कुछ ऑप्शन है, ये भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। शॉपिंग कार्ड भी कुछ आ रहा है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अभी एक बार चलते हैं। ओके ये भी यहाँ पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे भी यहाँ पे, तो बेसिकली जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं उन्हें यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा कुल मिला के ये जो प्रोडक्ट है इसका पेज बन जाएगा। और इससे भी एक काम कर देते हैं, फोर ना करके इसको हम थ्री कर देते हैं, जो बॉक्स है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ये विशलिस्ट का बॉक्स भी हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारा कंप्लीट बॉक्स बन जाएगा। मैं इसे रीलोड कर लेता हूँ। तो आइडियली अगर आप देखेंगे तो ये जो बॉक्स है और जो आपका होम पेज पे बॉक्स था ये वाला, ये दोनों के दोनों बॉक्स आपके एक तरीके से सेम ही है। देखिए अंतर क्या है, जब आप कैटेगरी पे जाएंगे तो आपको वही कैटेगरी का डेटा दिखना चाहिए जिस पे आपने क्लिक किया है। तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे के पूरे ब्लॉक को कॉपी कर लेते हैं जो हमने होम पेज पे डाला था, यहां पे मैं इसे डाल देता हूं। तो रीलोड करते हैं एक बार, देखते हैं क्या होता है, ये आ गया। अब लेकिन देखिए हमारे पास यहां पे आना क्या चाहिए था, जिस कैटेगरी पे आपने क्लिक किया है उसी के प्रोडक्ट आने चाहिए थे। तो हम लोग एक काम करते हैं, जो कैटेगरी का आईडी है उसे रिट्राइव कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहां पे मैंने रिट्राइव कर लिया, get underscore id is equal to dollar underscore get id, और इसको हम एक काम कर लेते हैं टॉप पे डाल लेते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसकी और भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसे यहाँ पे डाल लेता हूँ और इसको हम पास कर देते हैं mysqli underscore real underscore scape underscore string में, जिससे कि हमें कुछ अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर या कुछ डाल के ट्राई करे एक्सेस करने का तो वो ना कर पाए। अब देखिए ये आईडी को हम लोग एक काम करते हैं यहां पे डाल लेते हैं। तो एक दो तीन चार चौथा पैरामीटर देखिए हमारा यहां पे कैट आईडी का हो गया। अब अगर आप ये फंक्शन में जाएं तो हम फंक्शन में डिफाइन कर देते हैं कैट आईडी इज इक्वल टू ब्लैंक। अब यहां पे हम एक कंडीशन डाल सकते हैं, इफ डॉलर कैट आईडी नॉट इक्वल टू नल, तो क्या होगा, ये जो एसक्यूएल की क्वेरी है यहाँ पे अगर आप डेटाबेस में जाएं तो ये जो कैटेगरी की आईडी है ये मिलेगी। हम लोग यहाँ पे क्वेरी में डाल लेते हैं कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू डॉलर कैट आईडी। तो देखिए एक ही फंक्शन है हमारा, वही बार बार हमारा यहाँ पे यूज होता जा रहा है। साथ ही साथ एक चीज मुझे और रियलाइज हुई यहाँ पे कि आइडियली ये लेटेस्ट की ना आपको जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये डिफॉल्ट ना हमेशा रहना ही चाहिए, क्योंकि हमें लेटेस्ट जो डेटा है वही पहले दिखाना है। तो मैं एक काम करता हूं इसको बाहर ही ले आता हूं, लेटेस्ट वाला पैरामीटर ही हमने हटा दिया, तो होम पेज पे भी चलते हैं और होम पेज से भी जो लेटेस्ट के लिए हमने एक लिखा था इसे हटा ही देते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट ही हम जो डेटा है वो ऑर्डर बाई के अकॉर्डिंग ले लेते हैं तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं और जो लिमिट है उसे मैं यहां पे ब्लैंक कर देता हूं, मतलब अनलिमिटेड डेटा लेके आए। अब देखिए क्या होगा, एरर आ गई लाइन नंबर थ्री पे, तो लाइन नंबर थ्री देख लेते हैं एक बार, कोलन का इश्यू था। देखिए तो ये हो गया, 24 में कुछ एरर आ रही है, एक बार देख लेते हैं।
यहाँ पे स्पेसिंग सिलेक्ट वेयर स्टेटस इज इक्वल टू दिस, एक एंड लगाना हम यहाँ पे भूल गए थे, एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो देखिए अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि या तो ये डेटा मिला, और अगर ये देखिए क्या होगा, तो ये जो कैटेगरी थ्री है इसका हमारे पास कोई डेटा नहीं होगा। तो अगर आप देखिए तो कैटेगरी थ्री का हमारे पास कोई डेटा है नहीं। अगर मैं इसे पाँच कर दूँ तो देखिए मेरा यहाँ पे डेटा आ जाएगा, लेकिन हम पहले थ्री पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या मैसेज आना चाहिए था, डेटा नॉट फाउंड। तो हम कैटेगरी के पेज पे चलते हैं, और यहाँ पे जब हम ये लूप को घुमा रहे हैं वही टाइम पे हम चेक कर लेते हैं खाली, हम लोग इसको भी एक काम करते हैं टॉप पे ही डाल लेते हैं। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि इसका जो काउंट है वो ज़ीरो है कि नहीं है। तो अगर वो ज़ीरो है तो हमें आइडियली ये पूरे का पूरा जो आपका डिव है, इस पूरे के पूरे डिव को ही दिखाने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं ये कमेंट जो थे वो यहाँ से हटा देता हूँ, जो एक्स्ट्रा कमेंट यहाँ पे लगे हुए हैं, और इससे भी मैं हटा देता हूँ। तो हम एक काम कर लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं कि इफ काउंट ऑफ दिस इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब अगर ये जो एरे है गेट प्रोडक्ट वाली, अगर इसमें कोई भी डेटा मिला तभी हमारा ये नीचे का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज यहां पे एक मैसेज दिखा देंगे। मैसेज क्या हो जाएगा, इको डेटा नॉट फाउंड। रीलोड करते हैं, देखिए यहां पे क्या गया, डेटा नॉट फाउंड। अब अगर मैंने किसी दूसरी कैटेगरी पे क्लिक किया तो देखिए इस पे भी कुछ नहीं है, इस पे क्लिक किया तो देखिए जैसे ही हमने किसी दूसरी कैटेगरी पे क्लिक किया तो यहां पे देखिए क्या हुआ, वही वो कैटेगरी के अंदर जो भी प्रोडक्ट थे वो आ गए। हमने कैटेगरी नंबर 9 पे गए हमारा, तो कैटेगरी 9 के प्रोडक्ट आ गए। किसी दूसरे पे गए जहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो ब्लैंक हो जाएगा। ये क्या है, यहां पे ये प्रोडक्ट आ रहा है, चलिए इसे आने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इस तरीके से हमारा कैटेगरी का जो पेज था वो हो गया। अब इसमें एक चीज और बचती है, वो ये बचती है, देखिए जैसे ही आप यहां पे बोल देते हैं सॉर्टिंग, तो यहां पे आपको ये बताना है कि जो डेटा आ रहा है वो पॉपुलैरिटी के बेस पे आ रहा है, रेटिंग के बेस पे आ रहा है, या फिर इसके न्यूनेस के बेस पे आ रहा है। तो ये पॉपुलैरिटी ये सब चीजों को अभी हम तब कर पाएंगे जब हमारे पास हम लोग एड टू कार्ट पे जाएं, या जब हम लोग ऑर्डर पे जाएंगे। तो फिलहाल हम ऑर्डर के सेक्शन पे गए नहीं है, इसके लिए हम इस सेक्शन को भी ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो हम एक अंदर के पेज पे जाएं और वहां पे वो प्रोडक्ट की डिटेल दिखाएं। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, प्रोडक्ट का पेज बना लेते हैं। तो मैं ये जो कैटेगरी का पेज है इसी की रेप्लिका बना लेता हूं, और ये इसको हम कर देते हैं प्रोडक्ट। अभी ये आईडी आ गया, गेट प्रोडक्ट आ गया, और यहाँ पे मैं एक और पैरामीटर ले देता हूँ आईडी, डॉलर आईडी, डॉलर आईडी को, या मैं इसको कर देता हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी को हम यहाँ डाल देते हैं, फोर्थ पैरामीटर हो गया। और अगर ये चीज़ मिली तो कहाँ गया हमारा लास्ट पैरामीटर, ये रहा। और अगर हम प्रोडक्ट डॉट पी एच पी इज इक्वल टू ब्लैंक, अगर यहाँ पे ये मिला तो आई डी इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट का आई डी। प्रोडक्ट डॉट पी एच पी हमारा सेट है, अभी गेट प्रोडक्ट आ गया। अभी हम एक काम कर लेते हैं, बस ये सारा का सारा जो सेक्शन था इसे हटा लेते हैं, इसको मैं ब्रैकेट इसके बंद कर देता हूँ। ओके, अभी ये बीच में हम लोग जो प्रोडक्ट का डेटा है वो ले आते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से HTML में चलते हैं और प्रोडक्ट डिटेल को चल ले आते हैं। और प्रोडक्ट डिटेल के अंदर एक काम करते हैं, इसका ओके यहाँ से ये स्टार्ट होता है, एक बार देख लेते हैं यहाँ से स्टार्ट है कि ऊपर से स्टार्ट है। नहीं, ये यहाँ पे आया, ओके यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन। तो ये हमारे पास है और ये हमारे काम का है, और ये हमारे काम का नहीं है, बस इतना सा हमारे काम का है। ये हम ले लेते हैं और इसे बीच में डाल देते हैं। अब एक बार रीलोड करके देख लेते हैं। तो देखिए कैट आईडी लाइन नंबर 4 पे आ रहा है कुछ एरर, कैट आईडी, ओके कैट आईडी की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है।
तो देखिए ये हमारे पास डिटेल आ गई और कुछ चीज़ें मिस हैं हमारे पास। वो मिस इसलिए हैं क्योंकि एक नीचे का ये सेक्शन है, ये भी हमें लेना पड़ेगा। इससे भी मैं ले लेता हूँ और मेरे एंड में डाल देता हूँ। ओके तो देखिए ये मेरा यहाँ पे सेक्शन हो गया। अब यहाँ पे एक बटन भी आना चाहिए था जो आइडियली मिसिंग है, ऐड टू कार्ट का। तो हम लोग चलते हैं, ऐड टू कार्ट का बटन हमने ऑलरेडी ये चेकआउट का एक बटन था हमारा, ये यहाँ पे लिया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये एक्चुअली में हमारा कैटेगरी के पेज पे भी आ रहा होगा आई गेस, या चलिए बाद में देखते हैं हम। फिलहाल हमारा अगला काम क्या आ जाएगा, आ गया कि जब भी मैं किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वो प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे आ जाऊँ और उसकी वहाँ पे मुझे डिटेल भी दिख जाए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी सारी की सारी डिटेल तो हमें मिल गई हुई है यहाँ पे इस एरे के अंदर। अब अगर आप ये एरे को PRX कर दें तो देखिए आपको क्या है, सारा का सारा यहाँ पे एरे में डेटा तो मिल गया। तो हम एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस पे काम करना। सबसे पहली चीज क्या है, यहां पे आपका वो एरे की इमेज आ रही है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इमेज आ रही है। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहां पे इको कर लेते हैं और इसके अंदर हम बोलते हैं जीरोथ एलिमेंट पे। अगर मैं देखूं क्या एरे मेरे पास आ रहा था, इसके अंदर मेरा यहां पे मेरी इमेज आ गई। और इससे पहले हम उसका पाथ कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, तो ये मेरा यहाँ पे इमेज का जो काम था वो पूरा हो गया। अगला जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो उसके नाम की आ जाएगी, प्रोडक्ट का नाम। तो यहाँ पे हम उसका नेम ले आते हैं। अब यही पैरामीटर को मैं, वेरिएबल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और हर जगह डाल देता हूँ। ये मेरे प्रोडक्ट की इन्फो आ गई, इसको हमने इन्फो में डाल दिया। और ये मेरा MRP आ गई, ये मेरा प्राइस आ गया और ये मेरा डिस्क्रिप्शन आ गया। एक बार रीलोड कर लेते हैं तो देखिए ये कुछ एरर आ रही है, लाइन नंबर 35 डिस्क्रिप्शन के लिए हमने क्या यूज़ किया था, डिस्क्रिप्शन यूज़ किया एक्चुअली में, और मैंने ये DESC डाला था, एरर जो था ये मेरा इस वजह से आ रहा था। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, प्राइस कुछ दिख नहीं रहा है, ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम यहाँ पे इको लिखना भूल गए थे। जब तक आप इको नहीं लिखेंगे तो वो चीज़ प्रिंट ही नहीं होगी, जब तक प्रिंट नहीं होगी तो आपको वो डिस्प्ले नहीं होगी। तो देखिए ये प्रोडक्ट का नाम आ गया, ये इसका प्राइस आ गया, ये कुछ डिस्क्रिप्शन आ रहा है और ये अवेलेबिलिटी और एक ये कैटेगरी आ गई। तो और एक काम है, यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए। तो हम एक काम कर लेते हैं, प्रोडक्ट का जो नाम है उसे कॉपी कर लेते हैं और ब्रेड क्रम में भी डाल देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कायदे से ये प्रोडक्ट की कैटेगरी आनी चाहिए थी। तो ये प्रोडक्ट की कैटेगरी चाहिए, तो कैटेगरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे तो हम भेज देते हैं PHP पे। अब हमें ये प्रोडक्ट की कैटेगरी चाहिए और कैटेगरी पे जब हम क्लिक करें तो हम पर्टिकुलर वही प्रोडक्ट पे पहुंच जाएं। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं कि हमारा कैटेगरी का पेज क्या है। ये हमारा कैटेगरी का पेज है .php?id। अब यहाँ पे हमें वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कैटेगरी लेके आनी है और उसके क्लिक पे वो ID पे रिडायरेक्ट कर देंगे। तो कैटेगरी की ID तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो इसको हम यहां से निकाल सकते हैं। अब कैटेगरी का हमें नाम चाहिए, तो कैटेगरी का नाम के लिए हम क्या करें, जो हमने ये फंक्शन बनाया था हम इसमें एक काम कर लेते हैं, ज्वाइन का यूज कर लेते हैं। ज्वाइन का यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको भी बता देता हूं। तो हम बोल देंगे product.star, और इधर चलते हैं हम, इसमें हम बोल देते हैं कि कैटेगरी की टेबल से कैटेगरी निकाल लो, कॉमा कैटेगरी डॉट कैटेगरी वेयर प्रोडक्ट कॉमा कैटेगरी प्रोडक्ट डॉट स्टेटस इज इक्वल टू दिस प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी इज इक्वल टू दिस प्रोडक्ट डॉट ID ऑर्डर डॉट दिस प्रोडक्ट डॉट लिमिट।
इसी के साथ साथ एक लाइन और डाल देते हैं यहां पे, एंड प्रोडक्ट का जो कैटेगरी आईडी होगा वो बराबर होना चाहिए कैटेगरी के आईडी के। कैटेगरीज में हमें क्या मिल जाएगा, कैटेगरी का नाम मिल जाएगा। अब यहां चलते हैं और हम यहां पे यहां पे बेसिकली हम कैटेगरी का नाम शो करा देते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कैटेगरीज, एक बार देख लेते हैं कि सब ठीक है बराबर, परफेक्ट। देखिए कैटेगरी 9 आ गया, कैटेगरी 9 पे क्लिक किया तो क्या हुआ, हमें यहां पे कैटेगरी जो 9 का सारा डेटा था वो दिख जाएगा। अभी अगर आप कैटेगरी 9 पे गए, आप किसी दूसरी कैटेगरी पे गए, तो ये इसने बता दिया कि ये पर्टिकुलर ये कैटेगरी का डेटा है। तो इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट का जो डिटेल पेज था वो बन गया। अच्छा, डिस्क्रिप्शन आपका नीचे आ रहा है एक्चुअली में, डिस्क्रिप्शन हम लोग ने शायद गलत जगह पे डाल दिया। यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल लेते हैं। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ SHORT_DESC, और जो फुल डिस्क्रिप्शन है उसको हम लोग यहां डाल लेते हैं। रीलोड कर लेते हैं एक बार। ओके, ये है प्रोडक्ट आईडी 4। तो एक बार हम चलते हैं एडमिन पैनल पे, प्रोडक्ट आईडी जो 4 है उसको एडिट कर लेते हैं, और मैं यहां से लॉरा लिप्सम जो हमारा डमी टेक्स्ट होता है वो डाउनलोड कर लेता हूं, थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं, सॉरी डाउनलोड नहीं, मैं जनरेट कर लेता हूं इसे, और डिस्क्रिप्शन में मैं ये डाल देता हूं, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे हम लोग थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट डाल के ले लेते हैं और इसे सेव करा देते हैं। शायद हमने गलत जगह पे अपडेट कर दिया। ओके, इसका एक प्रोडक्ट शेड डालना भूल गए। ओके, तो देखिए ये हमारा, देखिए अब इस तरीके से हमारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया, यहाँ पे हमारा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गया, और यहाँ पे कैटेगरी का हम नाम दिखा देते हैं। कैटेगरी का नाम हमने अभी ऑलरेडी ऊपर दिखाया था कहीं पे, ब्रेड कम में दिखाया था हमने, परफेक्ट। ब्रेड कम से मैं कैटेगरी का नाम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ये कैटेगरी का नाम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी कैटेगरी का नाम आ गया। फिर अगली चीज़ आ गई मेरी, अवेलेबल है या नहीं है स्टॉक। तो स्टॉक बेसिकली इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी कितनी क्वांटिटी अभी आपके पास बची है। तो उसके लिए फिर से अगेन जब हम एड टू कार्ट पे जाएंगे, जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, तभी मैं आपको वो बता पाऊंगा। तो अगर आप देखें तो हमारा यहाँ पे होम पेज जो था वो कंप्लीट हो गया, हमारे पास कैटेगरी का जो पेज था वो हो गया, और उसी के साथ साथ जो हमारा प्रोडक्ट का पेज था हमने वो बना लिया। अभी नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ पे चलते हैं वो हमारा एक एड टू कार्ट का फीचर है, चेकआउट का फीचर है, और उसके अलावा जो छोटे छोटे फीचर है हम पहले वो कर लेते हैं। जैसे कि एक हमारा यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का पेज बनना है, तो मैं अगर यहां पे चलता हूं कॉन्टेक्ट का जो मेरा पेज है, मैं इसे चलता हूं और कॉपी कर लेता हूं, और कैटेगरी की रेप्लिका बना लेते हैं हमें कॉन्टेक्ट नाम से, और यहां पे मैं ये अंदर का सब हटा देता हूं, इन सब चीजों की भी मुझे कोई जरूरत नहीं है यहां पे। और कॉन्टेक्ट का जो पेज था मेरा उसको मैं, उसके जो अंदर का सेक्शन था सारा मेरा, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये हम यहाँ डाल देते हैं, और एक बार देख लेते हैं कि सब ठीक है, परफेक्ट, ये हमारा ठीक आ गया यहाँ पे। ओके, ये हमारा कुछ मिस हो रहा है, एक बार हम पहले HTML चेक कर लेते हैं हमारा कि HTML में बराबर आ रहा था। ओके, HTML में ये मैप भी आ रहा है, तो मैप के लिए हमारी श्योर यहाँ पे कोई जावास्क्रिप्ट लगी हुई होगी। देखिए ये कुछ एक एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट है, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ तक ये डेटा लेके मैं खाली कॉन्टेक्ट के पेज पे डाल देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ खाली हमारी कॉन्टेक्ट के पेज पे अप्लाई करनी है, बाकी किसी पेज पे अप्लाई नहीं करनी है,
रीलोड कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका ये चार्ट आ गया। ये बेसिकली जो चार्ट है अभी चल नहीं रहा है क्योंकि आपकी वेब जो ये गूगल जो है, अगर आपको पता हो तो गूगल का जो चार्ट है उसने ऑलरेडी मैप में यहाँ पे कुछ चीज़ें अपलोड अपडेट की हैं कि जो गूगल का मैप है वो खाली HTTPS पे चलना चाहिए, तो हमारा भी HTTP है इसलिए यहाँ पे ये चल नहीं रहा है। नेक्स्ट चीज़ क्या है आपके यहाँ पे, ये जो फॉर्म है जब भी कोई सबमिट करे तो ये फॉर्म का जो डेटा है वो आपके डेटाबेस में चला जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमने टेबल बनाई थी नेम, ईमेल, मोबाइल और कमेंट। तो यहाँ पे भी नेम है, ईमेल है, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम हटा देते हैं क्योंकि हमने डेटाबेस में सब्जेक्ट को लिया नहीं है, यहाँ से हम ये ले लेते हैं। तो अब अगला काम क्या है, नेम, ईमेल और नेम था हमारे पास, ईमेल था, मोबाइल था और एक हमने कमेंट डाला हुआ था। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसी को हम रहने देते हैं, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे मोबाइल कर देता हूँ। या हम यहाँ पे देखते हैं यही डाल देते हैं, लेकिन ये आई गेस UI जो था इसका थोड़ा सा नहीं परफेक्ट हो गया। मोबाइल, ईमेल, तो देखिए नेम आ गया, ईमेल आ गया, मोबाइल आ गया और फॉर्म आ गया। अब जैसे ही आप ये बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका डेटा जो जाएगा डेटा सबमिट हो जाएगा और वो आपका एडमिन पैनल पे यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, एक तो यहाँ पे ID डाल लेते हैं सब में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली एजेक्स के थ्रू हमारा ये फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेम, ID और यहां पे भी मैं एक ID ले लेता हूं, ईमेल, मोबाइल और इसको मैं नेम मैंने ले लिया यहां पे, या एक काम कर लेते हैं हम इसको, हम अगर आप चाहें तो आप इसको एजेक्स से भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे नॉर्मल फॉर्म से भी सबमिट कर सकते हैं। तो हम लोग एजेक्स का यूज कर लेते हैं, अदरवाइज आपका पेज ये लोड होगा बार बार। तो इसको मैं मोबाइल कर लेता हूँ, ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स हो गया, इसकी मैं ID ले लेता हूँ और ये इनपुट टाइप मैं यहाँ पे बटन कर देता हूँ और यहाँ पे एक ऑन क्लिक पे एक इवेंट डाल देता हूँ, सेंड मैसेज। एक बार चलते हैं और इसे रीलोड कर लेते हैं, परफेक्ट। अभी सेंड मैसेज नाम से हम एक फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए मैं जावास्क्रिप्ट पे चलता हूँ और जावास्क्रिप्ट की जो यहाँ पे फाइल है उसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, इसमें अलर्ट कॉल करा देता हूँ चेक करने के लिए कि हमारा ये जो फंक्शन है वो बराबर चल रहा है। ये चल ही नहीं रहा है, रीलोड करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लें तो यहाँ पे काफ़ी सारी एरर्स आ रही हैं। फॉर्म तो आपका चल रहा है बराबर, ये जो एरर आ रही है वो एक्चुअली में मैप की वजह से आ रही है तो उसको हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पे मैं एक एक करके मेरी वैल्यू रिट्राइव कर लेता हूँ सारी, नेम डॉट वेल और मैं ईमेल भी रिट्राइव कर लेता हूँ, मोबाइल भी रिट्राइव कर लेता हूँ और एक और जो हमारा फील्ड है वो है मैसेज, हम यहाँ पे मैसेज को भी रिट्राइव कर लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे वैलिडेशन लगाने पड़ेंगे कि अगर यूज़र ने इनमें से कोई भी चीज़ नहीं डाली है तो आपका ये जो फॉर्म है यहाँ पे ये सबमिट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक काम कर लेते हैं, अगर यहाँ आप देखें तो हम लोग यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल इज अंडरस्कोर इज इक्वल टू ब्लैंक। अब यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं, इफ नेम इज इक्वल टू ब्लैंक, तो आपकी एक कंडीशन यहाँ पे लग जाएगी। कंडीशन में आप क्या कर लेंगे, यूजर को बोलेंगे कि वो जो था नाम जो था उसको एंटर करें।
और ये जो इज एरर नाम का मेरा वेरिएबल है इसे मैं ब्लैंक कर देता हूं। या फिर हम एक काम कर लेते हैं, यहां पे else if यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ईमेल ले लेते हूँ, यहाँ पे मैं मोबाइल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं मैसेज ले लेता हूँ। देखिए वैलिडेशन करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, जो मेरा क्विकली यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका है मैं वो यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो मेन चीज़ है, मेरा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंस है वो आपको ये बताना नहीं है कि आप ये मैसेज कैसे भेजेंगे, मेरे लिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है आपको बताना है कि आप एक ई कॉमर्स की वेबसाइट कैसे बनाएंगे। इसलिए मैं ये वैलिडेशन के मैसेज पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, इसको हम बहुत अच्छे से बेटर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो मेरा यहाँ पे जो था मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है आपको बताने के लिए। jQuery.ajax से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर लेंगे। URL मैं कर दूंगा इसको send_message.php, टाइप पोस्ट ले लेते हैं, डेटा जो यूज़र ने डेटा डाला हम वो सारा भेज देते हैं, तो यहाँ पे मैंने बोला नेम प्लस, यहाँ से हमने नेम ले लिया और इसको मैं ampersand कर देता हूँ। और एक एक करके मैं ये वेरी यहाँ पे मेरी वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। इसका हमें कोई रिक्वायरमेंट अब है ही नहीं, मैं हटा देता हूँ। हमारा डेटा हो गया यहाँ पे, सक्सेस के टाइम पे हमने एक फंक्शन को कॉल करा दिया जिसके पास रिजल्ट आ गया, और जो रिजल्ट की वैल्यू हो जाएगी उसे हम यहाँ पे दिखा देंगे। एक सेंट मैसेज डॉट पी एच पी पे हम चलते हैं, यहाँ पे सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, जो कनेक्टिविटी की फाइल है उसे इंक्लूड करानी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो डेटा है वो डेटाबेस में डालना है। अब यहाँ पे मैं एक एक करके मेरी जो सारी वैल्यूज़ हैं वो रिट्राइव कर लेता हूँ। नेम ले लिया हमने $_post, इसको हम लोग पास कर देते हैं। एक मुझे याद आ रहा है कि हमने एडमिन पे शायद एक फंक्शन बनाया था, ये रहेगा सेफ वैल्यू करके भी हमने एक फंक्शन बनाया था, तो हम क्या करते हैं इसी को डाल लेते हैं हमारे फंक्शन के फाइल में। फंक्शन का फाइल हमारा कहाँ रहा, ये रहा। अब जो भी डेटा है हम वो इसी को पास कर लेते हैं, ये हमने ऑलरेडी एडमिन में बनाया था बेसिकली। एक बार चेक कर लेता हूँ कि उसमें कौन मेरे को डालना पड़ेगा। एक एक करके सारी हम वैल्यूज यहाँ पे रिट्राइव कर लेते हैं। ईमेल, मोबाइल मैसेज। अब डेटाबेस की टेबल देख लेते हैं हमारी क्या है। कॉन्टेक्ट अस है, ये एक्चुअली कमेंट है। डेटाबेस की जो टेबल है वो हमारी कॉन्टेक्ट अस है, और एक एडेड ऑन और ले लेते हैं। एडेड ऑन हमने ले लिया, डेट हमने ले ली यहाँ पे YMDR minute and second। MySQLi_query कनेक्टिविटी, और इसी के साथ हम इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज। यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारी वैल्यूज जो हमने टेबल में ली हुई हैं, फील्ड बेसिकली नेम, ईमेल, मोबाइल, COM
कमेंट हमने क्या लिया है, सी ओ एम एम ई एन टी, कमेंट ले लेते हैं और एडेड ऑन ले लेते हैं. यही मैं यहां डाल देता हूं. ये हो जाएगा हमारा डॉलर नेम, देन डॉलर ईमेल, इसके बाद डॉलर मोबाइल, देन इसके बाद डॉलर EMT और फिर आ जाएगा डॉलर एडेड ऑन. और इसके बाद हम इको कर देंगे, थैंक यू का एक मैसेज दिखा देते हैं. तो हम लोग चलते हैं हमारे कॉन्टेक्ट अस के पेज पे. तो यहाँ लिखा मैंने विशाल, ईमेल विशाल एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TESTING. सब कुछ ठीक रहा लेकिन ठीक नहीं रहा. ओके, एक हमें यहाँ पे फंक्शन भी इंक्लूड कराना पड़ेगा, functions.inc.php. अभी भी आ रहा है ईमेल, इसे एक्चुअली मिला नहीं, ये बोल रहा है ईमेल. एक बार देख लेते हैं हमने क्या भेजा है वहाँ से. ओके, हमने एक्चुअली भेजा ही नहीं था ईमेल, तो हमने जब भेजा नहीं तो हमारी वैल्यू जाएगी भी नहीं. चलते हैं फिर से, हमने यहाँ कर दिया विशाल, विशाल एट जीमेल डॉट कॉम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ कर दिया हमने टेस्टिंग. सेंट मैसेज किया, थैंक यू आ गया, एडमिन पैनल पे गए. तो देखिए ये हमारा जो डेटा इंसर्ट हुआ वो हमारा यहाँ पे आ गया. इसी तरीके से अगर आप एडमिन पैनल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको वो इंक्वायरी यहाँ पे दिख जाएगी जो भी फ्रंट एंड से यहाँ पे हमारे पास आई थी. तो ये काम भी हो गया हमारा. एक चीज़ और थी, ये जो टाइटल है हमारा, थोड़ा सा इससे हमें ठीक करना पड़ेगा. टॉप पे चलते हैं, जो मेरे पेजेस हैं यहाँ पे अननेसेसरी के ऊपर मैं उन्हें बंद कर दे रहा हूँ. यहाँ पे टॉप पे चलते हैं और इससे हम लोग हमारा ई कॉम वेबसाइट नाम से पेज बना लेते हैं. परफेक्ट. तो देखिए ये हमारा इस तरीके से सॉर्ट हो जाएगी कहानी. तो देखिए आपका क्या हो गया, आप हमारा होम पेज जो था वो बन गया, हमारा कैटेगरी का पेज बन गया, हमारा प्रोडक्ट का पेज बन गया और हमारा कॉन्टेक्टस का पेज बन गया. इसके बाद हमारी दो चीज़ क्या क्या बचता है, देखिए इसके बाद हमारा एक लॉगिन का पेज बनता है जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं. हम एक काम कर लेते हैं, लॉगिन के पेज को भी लिंक कर देते हैं. ओके, ये लॉगिन का पेज आई गेस हमने बनाया है पहले. ओके, ये अच्छा, हमने शायद टॉप की रेप्लिका बना ली थी, हम लोगों को इसकी रेप्लिका चाहिए. ये पेज ओके. ये हमें एक्चुअली बाहर करना था, मैं इसे अंदर करता था एडमिन पैनल में. तो हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से. और लॉगिन के पेज पे चलते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे लॉगिन का पेज है मैं वो निकाल लेता हूँ. यहाँ से मेरा ये लॉगिन का पेज स्टार्ट हो जाता है. तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ डाल देते हैं. तो ये लॉगिन का पेज तो बना, लेकिन एक सेक्शन शायद हमारा यहाँ पे रह गया. एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं क्या रह गया हमारा यहाँ पे. ओके, ये सेक्शन जो था मेरा पूरा आया ही नहीं है.
तो ये हमारा लॉगिन का पेज भी यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम या तो लॉगिन कर सकते हैं या फिर रजिस्टर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मुझे एक चीज़ आपको और बतानी थी। देखिए जैसे ये है आपका पेज, तो यहाँ पे देखिए क्या है, हमने ये किया। अब यहाँ पे देखिए क्या चांस है कि लेट्स से ज्यूम कोई यहाँ पे, देखिए क्या हुआ यहाँ पे, अगर किसी ने भी कुछ यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर या कुछ भी डालने की कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा, आपकी यहाँ पे जो SQL क्वेरी थी उसमें कोई एरर आने लग जाएगी। तो देखिए उसका सॉल्यूशन क्या है, हम चलते हैं यहाँ पे आईडी कैटेगरी के पेज पे चलते हैं और यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, इफ कैटेगरी इज ग्रेटर देन ज़ीरो तब तो वो कैटेगरी का डेटा लेके आएगा, और अगर ये नहीं होगा तो हम यहीं से इसे रीडायरेक्ट कर देते हैं दोबारा होम पेज पे, लोकेशन और यहाँ पे मैं बोल दूंगा index.php और एक डाई लगा देते हैं। हेडर लोकेशन index.php हुआ क्या आपका, देखिए यहाँ से ये रिडायरेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, रिडायरेक्ट करने के लिए जब हमारा PHP से वो रिडायरेक्ट होने में कुछ इश्यू हो रहा है तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा काम करते हैं। हो क्या रहा है कि आपका ऊपर कहीं पे कुछ ओपन हो रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं window.location.href और हम इसे JavaScript के थ्रू रिडायरेक्ट कर देते हैं। तो देखिए अब अगर आपकी कोई कैटेगरी के पेज पे आएगा, आप कैटेगरी के पेज पे अगर किसी ने कुछ चेंज भी करना ट्राई करेगा तो ये ऑटोमेटिकली उसे रिडायरेक्ट कर देगा। अब ये सेम टू सेम चीज़ हम हमारे प्रोडक्ट के पेज पे भी डाल देते हैं। तो ये सेम क्वेरी हम कॉपी कर लेते हैं और हम इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं। अब अगर कोई आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी हमारा कुछ एक मिनट एरर आ रही है, न्यू अराइवल में देखिए आपका कुछ एरर आ रही है यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हैं क्या हुआ। इंडेक्स के पेज पे चलते हैं, हमने शायद function.php में कुछ चेंज किया है, शायद उस वजह से कुछ एरर आ रही है ये। कोई बात नहीं, हम लोग फंक्शन में चलते हैं और ये एरर को रिट्राइव करने के लिए ये जो SQL क्वेरी हमारी जनरेट हो रही है इस क्वेरी को इको कर लेते हैं, एक बार देखते हैं ये क्वेरी क्या बन रही है। देखिए क्वेरी कुछ इस तरीके से आ रही है, वेयर दिस इज इक्वल टू दिस ऑर्डर बाय दिस डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट डॉट लिमिट 4। एक बार ये क्वेरी जो हमारी बनी, इस क्वेरी में एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, ऑर्डर बाय प्रोडक्ट डॉट आईडी प्रोडक्ट डॉट लिमिट। ओके ये मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट लिमिट नहीं होगा कुछ भी, मैंने क्वेरी गलत यहाँ पे यूज़ की थी तो मैं इसे हटा देता हूँ फिर से। एक्चुअली यहाँ पे लिमिट होना चाहिए था, प्रोडक्ट डॉट लिमिट नहीं होना चाहिए था, उस वजह से वो एरर आ रही थी। तो देखिए अब यहाँ से आप अंदर के पेज पे जाएंगे, अब अंदर के पेज पे यहाँ पे हमें एक तो एड टू कार्ट का एक बटन बनाना पड़ेगा। तो एक बार हम हमारी जो HTML की टेम्पलेट जो हमने यूज़ की थी उसमें देख लेते हैं, एड टू कार्ट का बटन नहीं देखिए यहाँ पे भी नहीं है, लाइव वाली थीम में एक बार देखते हैं। एक बार किसी कैटेगरी में जाके देखते हैं, यहाँ पे एड टू कार्ट का एक बटन बना हुआ होगा, होम पेज पे देखते हैं। सरप्राइजिंगली इन्होंने कहीं पे बनाया नहीं है, कोई बात नहीं हम एक काम करते हैं, ये रीड मोर का जो था बटन ये ले लेते हैं और जो हमारा प्रोडक्ट का डिटेल पेज है वहाँ पे जब हमारा प्राइस सारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाती हैं यहाँ पे डाल देते हैं ऐड टू कार्ट।
देखिए ऐड टू कार्ट का यहाँ पे बटन बन जाएगा। तो जैसे ही आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं, इसे नेक्स्ट में डाल देते हैं, थोड़ा सा अलाइनमेंट यहाँ पे। एक बार देख लें ये नीचे क्यों नहीं हो रहा, ये थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था यहाँ पे। तो हम इसको मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा टॉप से, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। तो CSS में लाइन नंबर 294 में CSS कहाँ है हमारी, ये रही। मैं मार्जिन दे देता हूँ टॉप से 20 पिक्सल का, परफेक्ट। तो हमारा ये ऐड टू कार्ट का हो गया। तो देखिए अभी हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शनलिटी है वो क्या बचती है, एक हमारा ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी बनती है बचती है, एक हमारी लॉगिन रजिस्ट्रेशन की फंक्शनलिटी बनती है, और उसके बाद हमारा चेकआउट का प्रोसेस बचता है। चेकआउट के बाद हम लोगों का प्रोडक्ट जो ऑर्डर जो होगा वो प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर प्लेस होने के बाद हम क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस होने के बाद हम लोग यहाँ पे एक यूज़र का पैनल बनाएंगे, जहाँ पे जो भी ऑर्डर यूज़र ने प्लेस किए हुए हैं वो सारे के सारे अपने ऑर्डर को देख सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो हमारे बाकी के बचे हुए सेक्शन हैं वो बताऊँगा। सो आज के वीडियो को अगर मैं समराइज करूँ तो हमने क्या किया, हमने होम पेज बनाया हमारे फ्रंट एंड का, हमने कैटेगरी का पेज बनाया, हमने प्रोडक्ट का पेज बनाया, और उसी के साथ साथ हमने कॉन्टैक्ट का पेज बनाया। इसके साथ के जो सेक्शन है फ्रेंड्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जितना भी हम लोगों ने अभी ये कोड किया है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ मैं ये जो टेम्पलेट है, जो मैं ये ई कॉमर्स की टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ, इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, जहां से आप वो टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है हमारा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।